सबसे पहले तो जिनको बहुत जल्दी है, जिनके पास समय का अभाव है, अच्छी बात सुनने में मन नहीं लगता, बोर हो जाते हो, या संतों की वाणी कान में चुभती है, तो कृपया इस वीडियो को आप छोड़ सकते हैं। नीचे बहुत सारे ऐसे वीडियो आ रहे होंगे जो आपका मनोरंजन करते हैं, आप उसको देख सकते हो, जो आपकी लाइक्स के लिए कुछ भी बातें करते हैं। क्योंकि ये एक वीडियो ऐसा होने वाला है जहां मैं अपनी साधना की सच्चाई आपको बताने वाली हूँ, तो उसे जानना है तो थोड़ा समय भी लगेगा और आपका धैर्य भी लगेगा। मैं आपकी राशि अनुसार आपको कुछ यौगिक क्रियाएं बताने वाली हूँ। अपने हाथ को कुछ सर्टेन तरीके से मोड़ने से, बनाने से, मुद्राओं में रखने से आप अपने भाग्य को कैसे प्रभावित कर सकते हैं वो बताने वाली हूँ। लेकिन हाँ, सारे के सारे वीडियोस का इंट्रो सेम होने वाला है, तो इसीलिए इस बात के लिए परेशान मत होइएगा। आप चाहें तो स्किप करके, हम सेगमेंट्स बना रहे हैं, आप सीधा अपनी राशि के सेगमेंट पे जा सकते हैं, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है कि एक एक राशि के लिए एक एक वीडियो मैं रिकॉर्ड कर सकूं। अब ऐसा करने लगी तो देखो, या तो मेरी साधना छूट जाएगी, या तो जो मैं आप लोगों की कुंडली भविष्य देखती रहती हूँ वो छूट जाएगा, या लोगों से मिलना जुलना छूट जाएगा। और इन सभी को मैं ना तो सेवा छोड़ सकती हूँ, ना आप लोगों की राशि भविष्य बताना छोड़ सकती हूँ, ना ही अपनी साधना छोड़ सकती हूँ। तो कुछ ना कुछ तो आपको मैनेज करना ही पड़ेगा। ग्रहों की बात गुरु माँ के साथ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। मैं हूँ आपकी गुरु माँ रुक्मणी, फिर से आई हूँ आज आपको कुछ विशेष बातें बताने। आज अपनी साधना काल में जो अनुभव किए वो आपके साथ साझा करूंगी। हमारी साधना काल में हमारे गुरुदेव परम पूज्य गुरु रजनीश ऋषि जी ने कुछ सूत्र हमें दिए, वो हमने प्रयोग किए और देखा उसमें कितनी पावर है। इस उपाय को करने में इतनी पावर आ जाएगी कि जब आप इस उपाय को करेंगे तो सारे ब्रह्मांड की शक्तियां आपका साथ देने खड़ी होगी। आप अपने भाग्य को भी प्रभावित कर पाएंगे, अपने कर्मों को भी अच्छा कर पाएंगे, अपने स्वयं में भी बहुत सारा परिवर्तन देखेंगे। मात्र 21 दिन मुझको दे, ये जो रहस्य है, ये जो सीक्रेट है, ये मंत्र शास्त्र और उपासना शास्त्र में मिलता है। और करोड़ों करोड़ों में से कोई एक ऐसा विरला ही एस्ट्रोलॉजर होगा, साधु होगा, या कोई ऐसा ज्योतिष आचार्य होगा जिसको इस ज्ञान के बारे में मालूम हो। अगर आप रोजाना सुबह ये प्रयोग जो आपको बता रहे हो इसको करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके हाथों में जो ऊर्जा है वो ऊर्जा आपके पूरी बॉडी को संतुलित कर रही है, और संतुलित करते हुए वो आपके आसपास का जो ऑरा है उसको भी प्रभाव डाल रही है। और ये प्रभाव होगा तो ऑफ कोर्स आपके लाइफ में भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। जो परमात्मा असीमित है, उसके पास असंख्य शक्तियां हैं, और वो सारी शक्तियां ही हमारे इस शरीर में ही विद्यमान है। आयुर्वेद भी इस बात को मानता है कि शरीर से उत्पन्न जितने भी रोग हैं, वो सारे के सारे रोग शरीर स्वयं ही दूर कर सकता है। इसी प्रकार से जो हमारी उंगलियां हैं, ये जो पांचों उंगलियां हैं, इन पांचों उंगलियों में हमारे जो तत्व हैं, पांचों तत्व विद्यमान होते हैं। जैसे ये जो अंगूठा है, इसके अंदर हमारा अग्नि तत्व, फायर एलिमेंट होता है। ये जो हमारी तर्जनी उंगली है, यानी कि हमारी इंडेक्स फिंगर, इसके वायु। ये जो हमारी मध्यमा उंगली है, यानी कि मिडिल फिंगर है, इसमें होता है आकाश की स्पेस। ये जो हमारी अनामिका उंगली है, यानी कि रिंग फिंगर, इसमें होता है अर्थ एलिमेंट, यानी कि पृथ्वी। और इसके अंदर जो तत्व है वो है जल तत्व। जो हमारी स्मॉलेस्ट फिंगर है, कनिष्ठा भी इसको कहते हैं। ये सारे एलिमेंट्स हमारे इन उंगलियों के अंदर हमारे हाथ में ही होते हैं। अब इनको कैसे प्रभावित करना है, कैसे यूज करना है, वो आज हम इस वीडियो से एक एक करके सीखेंगे। मान लीजिए आपको गुस्सा बहुत आता है, तो अपना ही जो फायर एलिमेंट है इसको थोड़ा दबाना शुरू करो। आपका फायर एलिमेंट बैलेंस होगा तो अल्टीमेटली गुस्सा कम आएगा। अगर मान लीजिए आपको बहुत ज्यादा डिप्रेशन फील होता है, आप अच्छा फील नहीं करते हैं, जो आपका आकाश एलिमेंट है इसको दबाना शुरू करें। इससे धीरे धीरे करके आपका ये एलिमेंट जो है ये दबेगा और बाकी एलिमेंट सक्रिय होने लगेगा। जो लोग रोते बहुत हैं, अपने वाटर एलिमेंट को थोड़ा दबाना शुरू करो, धीरे धीरे देखोगे आपके रोने का जो प्रॉब्लम है वो कम। मेरा नाम विकास शाह है और ये मेरे फादर ललन शाह है। हम लोग करोलबाग से रहने वाले हैं। आज हम गुरु माँ के पास आए थे, उन्होंने हमारी समस्या का समाधान बताया और बिल्कुल जो जो हकीकत है वो चीज हमें बताई है। हम इनसे बड़े खुश है, प्रसन्न हुए, हम इनकी आज्ञा का पालन करेंगे, हमें जो बताया गया हम वो करेंगे। एक बार सबसे हमारा रिक्वेस्ट है कि जिनकी भी जो समस्या है गुरु माँ के चरणों में आए, एक बार गुरु माँ का आशीर्वाद लें और एक बार कोशिश करें, क्या पता हमारा
रास्ता खुल रहा है, सबका रास्ता भगवान शनि भगवान बढ़िया बना दे। सब लोगों से ही रिक्वेस्ट है कि एक बार गुरु माँ के चरण में अपना सेवा का मौका दें। तो नहीं भी मानते फिर भी एक बार आके देख लेना, अगर ना ही समाधान हो तो बताना, समाधान 100% होगा जहाँ तक कि मेरा विश्वास है। बिल्कुल सही बताया, मेरी उम्र अभी 25 साल है, मैं भी यंग हूँ पर मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। मैंने देखा जो जो बताया मैं, आपने बिल्कुल सही बताया। आपकी जो ग्रह है वो भी आपके हाथ में ही है, यानी कि जो अंगूठा है इसके अंदर मंगल है। ये जो आपकी तर्जनी उंगली इंडेक्स फिंगर है, यहाँ पर आपकी बृहस्पति रहते हैं। ये जो आपकी उंगली है इसमें शनि होते हैं, इस उंगली में सूर्य होते हैं और सबसे छोटी उंगली में बुध, इसके नीचे होते हैं चंद्रमा और ऊपर आपकी हथेली में ऊपर होते हैं राहु, नीचे होते हैं केतु। अगर मान लीजिए कोई ग्रह आपको ज्यादा परेशान कर रहा है तो आप उसकी हीलिंग भी अपने हाथों द्वारा कर सकते हैं। देखेंगे कोई भी ज्योतिषाचार्य आपको कोई अंगूठी पहनाता है, रिंग पहनाता है, कोई स्टोन पहनाता है तो उसके ऊपर ही होता है, क्योंकि ये पर्वत सबसे पहले प्रभावित होते हैं। चलिए अब आपकी राशि अनुसार आपको बताते हैं कि आपने कौन सा उपाय करना है ताकि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपका साथ देने लगे, आपकी इच्छा पूर्ति करवा दे। अगर आपकी राशि तुला या फिर आपके नाम का प्रथम अक्षर इनमें से किसी एक अक्षर से प्रारंभ हो रहा है, इसको उपाय को करने के लिए आपने मुझे 21 दिन देने हैं। मात्र 21 दिन में आप देखेंगे आपके जीवन में चमत्कार घटित हो रहे हैं, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होनी शुरू हो गई। तुला राशि वालों, आपकी एक दिक्कत है, आप सपने बहुत देखते हो, बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारी डिजायर, ये सब आपके अंदर होता है। सपने देखना बुरा नहीं है, लेकिन एक सपना को जब तक आप पूरा नहीं कर ले दूसरे सपने को नहीं देखना चाहिए। और यही आपकी दिक्कत है कि इतनी सारी इच्छाएं हैं, सब कुछ आपको पूरा करना है और उस चक्कर में आप कुछ भी पूरा नहीं कर पाते हो, कंफ्यूज रहते हो और बार बार इधर से उधर भटकते रहते हो। इसको कैसे ठीक करें, चलिए जानते हैं। जिस भगवान को आप ये समझते रहे हैं कि ये तो हमारी सुनते ही नहीं, हमारी तो मनोकामना पूरी ही नहीं होती, वही ईश्वर से जुड़ करके आप ऐसे चमत्कार अनुभव करेंगे कि आप स्वयं दंग रह जाएंगे। बहुत सरल उपाय है, मात्र 21 दिन, बस 5 मिनट, 5 मुद्राओं को बनाना है। अपने हाथों को जो मैं आपको मुद्राएं बता रही हूँ उसमें आपने मोड़ना। सुबह के समय इस उपाय को करेंगे सबसे अच्छा है, ब्रह्म मुहूर्त में करें तो बेस्ट है, नहीं हो सके तो आप कम से कम 9 बजे से पहले पैसे उस उपाय को कर लीजिए। जो लोग मॉर्निंग में जल्दी नहीं उठ सकते हैं, नींद की समस्या है या ड्यूटी पे जाना होता है, काम पे जाना होता है, तो रात की शांति में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए खुले वातावरण में आप इस उपाय को करें। इस उपाय को करने के लिए आपको नीचे आसन लगा करके बैठना है। जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते हैं वो किसी सोफे पे, बेड पे या किसी चेयर पे भी बैठ के कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए आपकी स्पाइन यानी कि आपका मेरुदंड बिल्कुल सीधा इरेक्ट होना चाहिए, यानी कि आपने झुक करके इस उपाय को नहीं करना है, अपनी पीठ को एकदम सीधा रखना है, खींच के रखना है, तान के रखना है, ताकि आप जो एनर्जी फ्लो मैं बता रही हूँ वो आपके भीतर से हो सके। सबसे पहली मुद्रा जो आपको बनानी है वो है ज्ञान मुद्रा। हमारे जीवन में ज्ञान नहीं तो कुछ भी नहीं, ये सबसे प्रथम मुद्रा जो बनाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। इससे आपके मस्तिष्क में बहुत सारा ज्ञान उदय होगा, आप बहुत सारा कॉन्सेंट्रेशन पावर अनुभव करेंगे, आप देखेंगे आपकी मेमोरी शार्प होने लगी है, चीजों पे पहले से ज्यादा फोकस कर पा रहे हैं, जैसे भटके भटके पहले रहते थे अब ऐसा आपके साथ नहीं हो रहा है। बड़ा सिंपल सा है, आपने अपना अंगूठा और अपनी फर्स्ट फिंगर जो है इन दोनों को आपने इस प्रकार से मिलाना है दोनों हाथों की, और मिला करके ऐसे ऊपर की तरफ करते हुए अपने घुटने पर रख लेना है। अब गहरी लंबी सांस लेंगे, गहरी लंबी सांस छोड़ेंगे, फिर से गहरी लंबी सांस लेंगे, गहरी लंबी सांस को छोड़ेंगे। बार बार ब्रीद इन करना है, ब्रीद आउट करना है, ब्रीद इन करना है, ब्रीद आउट करना है। आप धीरे धीरे करके इसकी जो पेस है यानी कि स्पीड है इसको बढ़ाएं। इस प्रकार से आप इसको फास्ट फास्ट करते जाइए। अब जो दूसरी मुद्रा आपको बनानी है वो है आदि मुद्रा। ये जो मुद्रा मैं आपको बता रही हूँ आदि मुद्रा, इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि माता के गर्भ में हम सब जो बच्चे होते हैं, जो शिशु होते हैं, सबसे पहली मुद्रा इसी को बनाते हैं। और इस मुद्रा को बनाने से व्यक्ति स्ट्रेस से दूर हो जाता है, उसको जो फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, वो सब नहीं होता है। जो डिप्रेशन हो रहा है वो नहीं होता है। देखो बहुत सारी समस्याएं हैं जिसका निवारण हमारे पास ही है, हमारी बुद्धि हर चीज का निवारण खोज सकती है। भगवान ने ऐसा कोई ताला नहीं बनाया जिसकी चाबी तुम्हें ना दी हो, लेकिन वो चाबी मिलेगी कैसे, जब तुम्हारा मन शांत होगा,
मन ही शांत नहीं होता तो सामने पड़ी हुई चीज भी नहीं दिखती है। इस मुद्रा को करने से आपका मन एकदम शांत होने लगेगा और बच्चे जैसे खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, आप भी बिल्कुल वैसे ही रहने लगे। इस मुद्रा को बनाने के लिए आपने अपने दोनों हाथ को अंगूठा जो है ऐसे इस प्रकार से सबसे छोटी उंगली के नीचे रखना है, बाकी सभी उंगलियों को ऐसे मोड़ लेना है ऊपर की तरफ और ऐसे अपने घुटने पे दोनों हाथों को सीधा रखते हुए आपने इस मुद्रा को बनाना है। फिर से डीप ब्रीदिंग करेंगे, पांच मिनट इस मुद्रा को बनाएं, ब्रीदिंग को एकदम शांत होने दें, दो मिनट अपने आप को बस ऐसे ही इसी मुद्रा में रहने दें, आसपास के वातावरण को देखें, भगवान के चरणों में अपने आप को छोड़ दें और फिर अगली मुद्रा की तैयारी करें। तुला राशि वालों, अब आपने बनानी है हाकिनी मुद्रा। इस मुद्रा को बनाने के लिए दोनों हाथों की जो सारी उंगलियां हैं एक एक करके इसको जोड़ते चले, यानी अंगूठे से अंगूठे को मिलाएंगे, अपनी तर्जनी से तर्जनी को मिलाएंगे, मध्यमा से मध्यमा को मिलाएंगे, अनामिका से अनामिका को और कनिष्ठा से कनिष्ठा को, इस प्रकार से, और सब में थोड़ा सा गैप रखें। और गैप रखने के बाद देखिए इस प्रकार से ये मुद्रा बनेगी, थोड़ा थोड़ा गैप अपने सब जगह से रखना है। इसको ऐसे अपने हृदय चक्र के पास रखें, अंगूठा आपका ऐसे छाती को फेस करेगा और अब आपने गहरी लंबी सांस लेनी है। पांच मिनट इस मुद्रा को करेंगे, इस मुद्रा को बनाने से आपकी क्लियरिटी बहुत स्ट्रांग हो जाती है, फोकस आपका चील जैसा हो जाएगा। आपको जो कुछ भी लाइफ में पूरा करना है, जो भी सपना है, जो भी इच्छा है, जो भी डिजायर है, उस तक आपको कैसे पहुंचना है ये आपको समझ में आने लगेगा। एक इच्छा को पूरा करेंगे फिर दूसरे पे जाएंगे और हर चीज को धीरे धीरे करके आप अपने जीवन में जोड़ते चलेंगे। ये मुद्रा आपके लिए बहुत अच्छी है, आपकी डिस्ट्रैक्शंस, आपके कंफ्यूजन सबको दूर करेगी। उसके बाद अब आपने जो मुद्रा बनानी है वो है मेरुदंड मुद्रा। आपने अपने दोनों अंगूठों को इस प्रकार से सीधा करना है, अपनी चारों उंगलियों को इस प्रकार से अंदर की तरफ मोड़ना है और घुटने पे ऊपर की तरफ इस मुद्रा को बनाना है। फिर से गहरी लंबी सांस लेंगे, गहरी लंबी सांस छोड़ेंगे, पांच मिनट तक ब्रीद इन ब्रीद आउट करेंगे। ये मुद्रा जो है ना बड़ी विशेष है, बड़ी चमत्कारी है। हमारी जितनी भी शक्तियां हैं, जो भी ऊर्जाएं हैं, हमारी खुद की कॉन्शियसनेस है, वो हमारी जो मुख्य ऊर्जा है जिससे हम इस संसार में जो काम करते हैं, यानी कि हमारा होना जो है वो मेरुदंड के अंदर जो शक्ति समाहित है उसी से है। तो हम अपनी कॉन्शियसनेस को और अच्छे से इवॉल्व कर सकते हैं, यानी कि आप जब इस मुद्रा को करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे बहुत ऊपर की तरफ आपकी ऊर्जा उठ रही है। आपको बहुत सारे अलग अलग विचित्र अनुभव हो सकते हैं, घबराइएगा मत, ये सारे अनुभव बहुत अच्छे होंगे। ऊर्जा ऊपर की तरफ उठेगी, माइंड में हो सकता है एकदम फुव्वारे छूटने लगे, खुशी की लहर आपके भीतर हो जाए, आपके शरीर में रोमांच आने लगे, भगवान से एकदम आपकी आत्मीयता बढ़ जाए, भगवान के और निकट कनेक्शन आप उनसे फील करने लगे, यूनिवर्स से, नेचर से कनेक्शन फील करने लगे। आपको बहुत सारे चेंजेस इस मुद्रा को 21 दिन करने से अपने अंदर महसूस होंगे। बहुत चमत्कारी मुद्रा है। इसको करने के बाद अब अगली मुद्रा आपने करनी है जो कि विशेष, जिसके लिए आप प्रतीक्षित। अब आपने बनानी है कुबेर मुद्रा। जी हाँ, इस संसार में कुबेर के बिना, यानी लक्ष्मी के बिना, धन के बिना तो कुछ भी नहीं है। आपको अपनी इच्छाएं पूरी करनी है, अपने जीवन में अपनी मनोकामनाएं पूरी करनी है, तो कुबेर जी तो आपको चाहिए। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए इस मुद्रा को बनाया जाता है। जब आपका मन इतनी मुद्राओं को करके शांत हो गया, अब समय है कुबेर मुद्रा का। अपने पहली दोनों उंगलियों को आपने अंगूठे के साथ जोड़ना है, बाकी दोनों उंगलियों को अंदर की तरफ रखना है। इस प्रकार से आपने मुद्रा बनानी है, ऊपर की तरफ इस मुद्रा को रखेंगे और गहरी लंबी सांस भरेंगे। पांच मिनट इस मुद्रा को करें। इसको करने से धन की प्राप्ति होती है। आपका मन जो है, आपकी ऊर्जा जो है, वो धन को संचालित करने की तरफ लगती है। अब पांच मिनट इस मुद्रा को करने के बाद अपने आप को बिल्कुल शांत छोड़ दीजिए और अब आपने करना है विजुअलाइजेशन टेक्निक, यानी कि आप जो भी अपने जीवन में चाहते हैं, अगर धन की कमी है तो अपने सामने बहुत सारे धन को आप विजुअलाइज करें।
कोई बिजनेस है आपका, व्यापार है, अच्छा नहीं चल रहा, तो विजुअलाइज करें आपका व्यापार बहुत अच्छा चलने लगा है, आपके पास कस्टमर आ रहे हैं, कोई दुकान है चलती नहीं, लोग नहीं आते, ग्राहक नहीं आते, मन में ऐसे विजन कीजिए, आप ऐसा अपनी आंखों के सामने दृश्य आंखें बंद करके लेके आइए कि बहुत सारे लोग आपकी दुकान पर आ रहे हैं, आपसे सामान खरीदना चाहते हैं। अगर प्रेम की कमी है जीवन में तो जिससे भी प्रेम करते हो वो आपसे प्रेम कर रहा, ऐसा विजुअलाइज करो। लोगों के बीच में सम्मान नहीं मिलता तो ऐसा अनुभव करें जैसे बहुत से लोग आपका सम्मान कर रहे हैं। आप इस विजुअलाइजेशन टेक्निक को, इन मुद्राओं को करने के बाद करें, जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, उसको अपनी आंखों के सामने लाने का प्रयास करें। हो सकता है पहले दिन ना हो पाए, धीरे धीरे 21 दिन में आप उसे पूरी तरीके से विजुअलाइज कर पाएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि आपने एक ही मनोकामना मांगनी है 21 दिन, ऐसा नहीं है आज धन मांग रहे हो, कल बीवी मांग रहे हो, परसों बच्चे मांग रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा। देखो मेरे बच्चे इतने प्यारे, इतने मासूम हैं कि इन्हें पता ही नहीं है कि मांगना कैसे है। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं गुरु माँ हमें समझ ही नहीं आता हम भगवान से मांगे क्या, और वैसे हमारे पास हर चीज की कमी है। तो एक कहानी सुनाती हूँ तुम्हें, इस कहानी को सुनो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि भगवान से मांगा कैसे जाता है, कैसे अपनी सारी इच्छाएं आप पूरी करा सकते हैं। एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी, वो नेत्रहीन थी, उसके आंखें नहीं थी, लेकिन गणेश जी की वो बहुत बड़ी भक्त थी। उसकी भक्ति से प्रसन्न होके एक दिन गणेश जी उसके सामने प्रकट हो गए, बोले हे माई बता तुझे क्या वरदान चाहिए। बूढ़ी माई बोली प्रभु आप कल आना, मैं जरा सोच विचार के अपने बहु बेटे से परामर्श करके फिर मैं आपको बताती हूँ कि मुझे क्या चाहिए। गणेश जी मुस्कुराए लेकिन फिर भी उसकी बात को मान गए। अब बूढ़ी माई सबसे पहले अपने बहू और बेटे के पास गई, जाकर के उनसे पूछा तो बेटे ने कहा माई देख हम गरीब भी हैं, हमारे पास पैसे तो है नहीं, तो ऐसा कर गणेश जी भगवान से तू धन मांग ले, हम अमीर हो जाएंगे। बहू कहने लगी अरे माँ जी पैसे का क्या है, आते जाता रहता है, हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है, आपके कोई पोता नहीं है, आप गणेश जी से पोता मांगो। बूढ़ी माई बड़ी कंफ्यूज हो गई आप लोगों की तरह कि मांगे तो क्या मांगे। फिर वो उसने अपने पड़ोसन से सलाह की, पड़ोस में एक स्त्री रहती थी, उसने कहा अरे बहू बेटे तो अपने चक्कर में पड़े हैं, भगवान तुझसे प्रसन्न हुए तो अपने लिए आंखें मांग ले, तूने आज तक इस संसार को नहीं देखा। बूढ़ी माई रात भर सोचती रही क्या करूं क्या करूं। अगले दिन सुबह फिर गणेश जी उसके सामने प्रकट, तूने सोच लिया कि तुझे क्या चाहिए। बोले हाँ प्रभु मेरी बस एक ही इच्छा है आपसे, बस इसको पूरा कर दो, एक ही वरदान मुझे आपसे चाहिए। बूढ़ी माई ने कहा प्रभु मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी आंखों से अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते हुए देखूं। गणेश जी मुस्कुराए बोले अरे तू तो बहुत चतुर निकली, तूने तो एक ही वरदान में सब कुछ मांग लिया। यानी कि वो माई देख नहीं सकती, उसने अपने लिए आंखें मांग ली, उसने अपने बेटे के लिए अच्छा व्यापार मांग लिया, तभी तो उसका पोता जो है वो सोने के गिलास में दूध पी सकता था, तो उसने पोता भी मांग लिया, तो उसने सारी चीजें एक ही चीज में मांग ली। तो अगर आपको भगवान से मांगना है तो इस तरीके से मांगा करो, और मांगना है तो प्रभु को मांगो तो वो सब कुछ तुम्हारे को दे देंगे। जैसे राजा पे हाथ रखते ही उसका सारा राज्य तुम्हारा हो सकता है, प्रभु को पाते ही सब कुछ उनका तुम्हारा हो सकता है। 21 दिन के लिए आपने ये उपाय करना है और 21 दिन बाद आप स्वयं हमारे यहाँ फोन करके या फिर मैसेज करके बोलेंगे कि गुरु माँ हमारे साथ चमत्कार हो, आशीर्वाद देते हैं, ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।